पार्टी के जानिब से और जुड़वाई पर मोहल्ले की ओर से और तमाम मुसलमान नौजवानों की ओर से आज हमने जो है इसराइल के जितने भी प्रोडक्ट है इसको हमने बॉयकॉट किया है। और मैं सोलापुर शहर के सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इसराइल के जितने भी प्रोडक्ट है इन्हें बॉयकॉट कीजिए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है हम लोग जो खरीदते हैं छोटे छोटे लेकर, ये प्रोडक्ट से इन लोगों के पास जो है उत्पन्न का जरिया होता है। इस उत्पन्न के जरिए ये लोग जो है हमारे फलिस्तीनी भाइयों के ऊपर जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। और हम एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो इनको एक गोली के तरीके के हिसाब से इनको पैसा मिलता है, और ये गोली जो है हमारे ही सीने पे मारने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो फलिस्तीन पर जुल्म हो रहा है, मैं हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंसानियत के नाते जो है वहाँ पर जो अटैक हो रहा है गाजा में, ये अटैक उन्हें रुकाने की आप हुकूमत की तरफ से एक आदेश दीजिए। और हम जो है इसराइल का बहुत पूरे सोलापुर शहर और पूरे हिंदुस्तान की तरफ से जो है जाहिर निश्चित करते हैं, और हम हमेशा फलिस्तीन के साथ थे, है और आगे भी इंशाल्लाह हम रहेंगे। और हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर जितने भी थे सब फलिस्तीन के साथ थे, और हम हमारे कौम की ओर से हम भी फलिस्तीन के साथ जो है खड़े हैं। तो हम पूरे हिंदुस्तान के अवाम से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोगों से यही कहना चाहते हैं कि फलिस्तीन पर जुल्म हो रहा है, इन लोगों के साथ खड़े रहिए और इनको ताकत देने का काम कीजिए। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।